नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना सिखाऊंगा, और अगर आपके पास में 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है तो आप आधार कार्ड को बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि जैसे जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आधार कार्ड आपका डाउनलोड नहीं होगा। उसके लिए फिर दूसरा प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है बिना किसी परेशानी के तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर, और गूगल पर जाके आपको लिखना होगा ई आधार। आप जैसे ही यहाँ लिखेंगे दोस्तों ई आधार डाउनलोड, ई आधार डाउनलोड लिखते ही दोस्तों आपके पास में आ जाएगा ई आधार .uidai.gov.in। इसका वेबसाइट दोस्तों मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस पर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, और दोस्तों लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में आपसे अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैं अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ। और अपना नंबर लिखने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इस कोड को भरूँगा। इस कोड को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है, अगर आप इसमें कुछ गलत लिख देते हैं तो फिर आपको दोबारा इसे भरना होगा। तो इस चीज़ से बचें, आप उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें और फिर भरें। आप इस पर सेंड OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा ये OTP उस पर चला जाएगा। अमूमन पुराने जो घर में सबसे पुराने फ़ोन होते हैं, कई लोगों के आधार कार्ड उनसे भी लिंक होते हैं, तो आप अपने फ़ोन घर में जितने भी फ़ोन हैं उन पे एक बार ये देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना OTP यहाँ पर भर दिया है। अब OTP भरने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। मैं आपको दोस्तों सारे ही ऑप्शंस बता सकता हूँ, आप आधार ऑर्डर भी कर सकते हैं, ये कई तरह के ऑप्शंस हैं। इसके लिए मैंने अलग वीडियोज़ भी बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे डाउनलोड करना चाहता हूँ आधार, तो मैंने डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं, और यहाँ मैं इसको डाउनलोड पर दोस्तों क्लिक कर दूँगा। और जैसे ही दोस्तों मैं इसे डाउनलोड पर क्लिक करूँगा मेरा जो आधार है ये डाउनलोड हो चुका है। अब ये आधार कार्ड खोलने के लिए दोस्तों आपको एक स्पेशल चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वो है पासवर्ड। और पासवर्ड दोस्तों किसी भी आधार कार्ड को खोलने का बड़ा ही सिंपल होता है। तो दोस्तों आधार कार्ड खोलने का जो पासवर्ड बनेगा, तो मेरा नाम है सूर्यकांत, तो जैसे कि मेरे नाम के शुरुआत के चार अक्षर यानी कि SURY, और जो दोस्तों मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो है 8/7/1997। तो जो मेरा जन्म है वो है 1997। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, ये मेरा डेट ऑफ, ये मेरे नाम के शुरुआत के चार अक्षर हो गए और ये मेरा जन्म का सन हो गया 1997। तो आपको भी ऐसा ही लिखना है और ओपन फाइल पर खुल जाएगा। और आधार कार्ड खुलने के बाद में आप देख सकते हैं कि मेरा आधार जो है वो सिग्नेचर वैलिड भी हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने कार्ड्स को डिजिटली साइन करें तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने आधार कार्ड को डिजिटली वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि डिजिटली वेरीफाई आधार कार्ड जो है वो कई जगह लगता है, ऑफिस में लगता है, पासपोर्ट बनवाते वक्त लगता है, और भी ऐसी कई तमाम जगह है जहाँ पर डिजिटली वेरीफाई आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और आधार कार्ड का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दिया है। तब तक के लिए टेक केयर।